अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज हम बनाएंगे जी चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई जो है वो हम बनाएंगे जी ब्लैक पेपर के साथ। और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी आज की रेसिपी होगी, बहुत यूनिक रेसिपी है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले एक पैन के अंदर हमने जो है वो दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस्ड कट करके एक कप ऑयल के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन कर देना है। ये आप देख लीजिए, प्याज जो है वो हमें अच्छे तरीके से ब्राउन कर देना है, और हमारे प्याज जो है उनको फिर बाद में सेपरेट कर देना। तो ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सा जो कलर है ना वो इन पर आना शुरू हो गया है। हमने जो है इनको अच्छे तरीके से जो है वो ब्राउन कर लेना है। देख लीजिए, प्याज जो है वो हमारे अच्छे तरीके से जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा सा जो इनको गोल्डन सा जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हमने इनको जो है वो सेपरेट एक बोल में रख देना है, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जी कढ़ाई के अंदर एक कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर, ये आप देखिए जो ऑयल जो है वो हमने ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिकन। ये आप देख लीजिए, चिकन जो है वो हमने ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हमने पका लेना है। इसको जो है इसको हमने उसके साथ फ्राई सा कर लेना, स्टीम फ्राई सा। तो ये आप देख लीजिए, ये हमने कर दिया है। जिसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने जो है एक टेबल स्पून ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स अप करेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको जो है हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है, और हमारी रेसिपी बहुत डिलीशियस रेडी होगी। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है ये। तो ये आप देख लीजिए, ये हमने ऐड कर दी है जी सारी चीज़ें। उसके बाद हम ऐड कर देंगे कि प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे थे, ये हमने ऐड कर दिए जी। और इनको जो है वो हम मिक्स कर लेंगे फिर सारे चिकन के अंदर, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो कलर भी आना स्टार्ट हो जाए। तो प्याज को सेपरेट करके रखेंगे, फ्राई करके रखेंगे, ब्राउन करके रखेंगे, तो जो है वो कढ़ाई हमारी और भी ज़्यादा डिलीशियस रेडी होगी। तो उसके बाद अब हम स्पाइसेस की तरफ बढ़ें। तो स्पाइसेस में हम सिर्फ दो स्पाइसेस यूज़ करेंगे, जिनमें से सबसे पहले तो है जी हमारे पास मौजूद ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो हमने 1 टीस्पून ऐड कर लिया है। 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर का ऐड किया है। ये देख लीजिए, 1/2 kg जो है वो हमने चिकन दिया है जी, 1/2 kg की हमने आज कढ़ाई बनाई है। आप देख लीजिए, और जो है इसके अंदर हम ऐड कर दिया है जी हमने 1 ही चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर का। ये ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे जी 1 चम्मच वाइट कढ़ाई जो मसाला होता है उसका जो है वो हमने ऐड किया है। उसके बाद आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड करिएगा। यहाँ पर जो है वो हमने 1 टीस्पून
ही ऐड किया है। सॉल्ट सॉल्ट ऐड करने के बाद, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने, मैंने आपको बताया भी था, हमने सिर्फ दो स्पाइसेस यूज़ किए हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे जिस तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो हम बना लेंगे डिलीशियस सा चिकन कढ़ाई। और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हम एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए ऐड करेंगे जी, एक कप भर के क्रीम का, ये जो है तो हमने भर के ऐड कर दिया है जी। क्रीम का आप कोई भी फ्रेश क्रीम ले लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद हमने इसकी टेस्टी सी जो है वो ग्रेवी रेडी कर लेनी है। बहुत अच्छी ग्रेवी आती है जी क्रीम से, आप कोई भी किसी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं जी। इसको जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स करने के बाद, हमारी कढ़ाई रेडी है जी, इसको हम गार्निश करेंगे जी और मज़े से खाएंगे। तो भी इसकी जो है अच्छे तरीके से हम करेंगे भुनाई। तो भुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो चिकन कढ़ाई हो, चाहे वो आप मटन कढ़ाई बना रहे हैं, आप बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, लेकिन भुनाई जो है वो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आप सब्जी ही क्यों ना बना रहे हो। तो इसको जो है वो हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद जी मैंने पहले तो देखिए जी वाई डिलीशियस कढ़ाई रेडी है। इस पर जो है वो हमने ग्रीन चिलीज भी प्यारी प्यारी से कट करके डाल दी है जी, कोरिएंडर भी हमने गार्निश कर दिया है जी, और ये है जी फाइनल लुक जिसको जो है वो हमने प्यारे से बॉल में सर्व किया जी। आई रियली होप कि आपको आज की प्यारी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी जी। चिकन कढ़ाई की मैंने आज यूनिक सी रेसिपी बताई है जी। सो आई रियली होप कि पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो तो जी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।